ye parancha dayim suzmot yetela yahta iman yelle yahta mo kar pehchan che gasan mar khodayo be taksir be gona khodayo yam yam kisho ayo kai sara mare khodayo chhedo अगर देखा सरकार से हमारी यही डिमांड रहेगी इसके इसको पूरे इसको इन्वेस्टिगेशन कीजिए मेहरबानी करके इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन का हाँ ये क्या बात क्या हुई है ऐसा क्यों रोज हमारे बड़गांव में हो रहा था हमारा इलाका इतना शांत है कि पूछे मत लंबे से आज तक यहाँ पर कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है आज पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे मेहरबानी करके इस विषय को हम चाहते हैं कि इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए क्या क्या ऐसे वाकई क्यों है क्योंकि ये बच्चे अपने रोजगार कमा रहे थे मेहनत लगा रहे थे मजदूरी कर रहे थे क्यों हुआ इनके साथ ऐसा हुआ था और जो आज क्या नाम है उसका छोड़ो उमर 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 वो भी उनके साथ आई हुई उसको भी ये नहीं कहेंगे कि कौन सी एजेंसी ये नहीं कहेंगे लेकिन ये तो बहुत हमारे साथ ना ही साथ हमारे साथ ना क्योंकि कल इसके घर में गए कल हम फिर हमारे घर में आ जाएंगे बाद में ये तो पूछताछ करना है ये कौन है तो ये इशफाक साहब ही वो ड्यूटी इस वक्त थे या घर में थे लेकिन एसपीओ में वो काम कर रहा है वो जो वो छोटा हुआ वो पढ़ रहा था बेचारा वो पढ़ रहा वो एस पी ओ में नहीं काम कर तो इसके घर में क्या भाई दो दो भाई है और माँ और माँ कैसे किस्म के कहा था ना वो तकरीबन उसको मैं भी वही उसको जानता हूँ वो इतना इंसान है शरीफ इंसान है वो किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा है सुबह निकलते थे अपने काम से शाम आते वो घर में ही बैठते थे अभी दुख है ना भाई है छोटा भाई कल उसके साथ कल अगर आ जाएंगे वो हमारे हमको ही मारेंगे घर में ये तो नहीं तो मारे उसको घर में मारा उन्होंने तो कितने बंदे थे आज भी नहीं सुना क्या पता है ये कहेंगे कि उन्होंने मार दिया मार दिया मार दिया उस टाइम वो तो गलत है तो आखिर तो इंसान ही मरता है सरकार को क्या डिमांड कर रही है आज मैं एक दोस्त अकेला अपनी दुकान पे था कुछ बंदे आए थे बोल रहा था दुकान बंद करो फायर हुआ है ट्रेड पे फिर हमने दुकान बंद कर दिया था और घर गए थे अपने फिर हमने सुना था बाद में कि इशफाक को गोली लग गई उसको घर में कुछ बंदे आ गए थे उन्होंने उसको गोली मारकर हला कर दिया जो दूसरा उमर था वो बहुत अच्छा इंसान था दोनों बहुत अच्छे इंसान ये इतना गरीब था बेचारा पूछे मत लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की बहुत मजदूरी की लेकिन इस मुकाम तक वो पहुंच गए क्या कहूँ इनको पूरा गांव भी नहीं जानता है इतने अच्छे बंदे थे ये लेकिन जिसने भी ये किया ना उसने बहुत गलत किया इनके साथ इतने अच्छे इंसान थे ये फिर हमने पूरा गांव क्रश हो गया था कोई बाहर नहीं निकाल रहा था फिर हम जो यहाँ के जो हमसाए लोग हैं उन्होंने सोचा था ये तो हमारा पड़ोसी है हम इनके घर में क्यों नहीं जाएंगे फिर एक इनके घर में दो पाँच दस बारह बंदे आ गए थे उन्होंने देखा था फिर कुछ हमारे जवान थे जो उमर इसका भाई जो सीरियस इंजर्ड हुआ था इशफाक की उस मौके पर ही वाकई हुई थी जो इशफाक बहुत सीरियस इंजर्ड था कुछ बंदे चले गए हमारे घर दूसरा भाई था इधर सोमू उसका नाम था शाहनवाज उसका सोमू लिया फिर उसको जेवी से रेफर किया उन्हें उसको खून भी वहाँ दिया और अभी तक वो लोग जवान हमारे जवान उसी के साथ है अगर देखा सरकार